सो गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बेस्ट पीडीएफ स्कैनर एप्लीकेशन जिसकी मदद से गाइस आप इजीली पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पीडीएफ फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कागज़ स्कैनर। तो इस ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल करके ओपन कर लेगा। अगर जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो बस अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको नीचे एक प्लस वाला आइकन दिख जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर गैस आपके सामने यहाँ पर कैमरा खुल कर आ चुका है। तो गैस आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, उसके आपको बेसिकली पिक्चर्स लेनी होगी, क्लिक करनी होगी। तो आप यहाँ पर आगे का फर्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर एक सो गैस मैं भी आपके सामने एक पिक्चर को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो गैस, तो एक पिक्चर को मैंने क्लिक कर लिया है। तो ऐसे इस तरह से ही गैस आप और भी ज़्यादा पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। सो गैस अभी आप देखो मैंने दो पिक्चर्स को क्लिक कर लिया है, और नीचे फिर आपको एक प्रोसीड का आइकन दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले गैस अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो है और आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गैलरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो गैस जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर एरिया चूज़ करने बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर एरिया चूज़ कर लेना। तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर एरिया चूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे इतना ही एरिया चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी दूसरी फ़ोटो खुलकर आ जाएगी, तो आप इसमें भी अपना एरिया चूज़ कर लेना। इतना भी आपको एरिया पीडीएफ फाइल में रखना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो गैस फिर आपको यहाँ पर मैजिक कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर्स मिल जाते हैं। आपको ओरिजिनल मिल जाता है, मैजिक कलर 1, मैजिक कलर 2, मैजिक वाइट, और भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप कौन सा भी कलर चूज़ कर लीजिएगा, या तो ओरिजिनल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पर एक डन का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस फिर थोड़ा लोडिंग लेंगे, तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। और गाइस विद इन 2 मिनट्स हमारी पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो आपके सामने फिर कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे आपको एक करेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पे ये हमारी फ़ाइल दिख रही होगी। तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर दूसरा नेम को आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। तो फिर आपको सेव एज पीडीएफ फाइल ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो फिर आपके फाइल मैनेजर ऐप में सेव पीडीएफ हो जाएगी। सो गाइस अगर आपको इस एप्लीकेशन में लॉक रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक अनेबल योर फ़ोन लॉक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर अनेबल कर लीजिएगा। फिर आपका ये ऐप पासवर्ड से ही खुलेगा, विदाउट पासवर्ड ये खुल नहीं पाएगा गाइस। तो आप यहाँ पर लॉक भी रख सकते हैं। नीचे आपको पीडीएफ टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको पीडीएफ टूल यूज़ करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको अपनी पीडीएफ शेयर डॉक्यूमेंट भी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। बस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे के पीडीएफ कैसी बनी हुई है, आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। सो गैस अभी मैं पीडीएफ को ओपन कर लिया। तो गैस आप कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से पीडीएफ बन चुकी है। बस आप देख सकते हैं एचडी क्वालिटी में बनी है पीडीएफ, आप यहाँ पर गैस देख सकते हैं। तो गैस इस तरह से आप 2 मिनट्स में अपने मोबाइल फ़ोन से पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो गैस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस गुड बाय एंड टेक केयर।